बीसीसीआई को हमने ये बताया कि हमें जो कुछ सपोर्ट ग्राउंड का है हमें आरसीए का लेना पड़ेगा, उस पर वो सहमत होगा। इसके अलावा एक कमिटी बनेगी जिसके अंदर जो चेयरमैन उसका कमिटी का होगा हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल। हमारी सरकार दो क्रिकेट अनुभवी जो क्रिकेट से एसोसिएटेड आरसीए के जो मेंबर्स नहीं हैं उनको नॉमिनेट किया जाएगा कल, और बीसीसीआई का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और मुंबई इंडियंस का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये पांच जनों की जो कमेटी है वो इस पूरे टूर्नामेंट की एपेक्स बॉडी होगी। आरसीए नहीं शामिल होगा इसका तो सवाल ही नहीं ना, आरसीए के बिना पार्ट के तो मैच हो ही नहीं सकते ना। लेकिन बीसीसीआई भी तो आरसीए पर राजी नहीं, नहीं लेकिन सरकार कर रही है ना, आरसीए तो सरकार कर रही है उसके साथ है। आरसीए ने तो 10 दिन पहले भी आप लोगों को कहा था कि आरसीए चाहती है मैच हो, सरकार कराए या कोई कराए, सरकार करा रही है मैच और हम लोग साथ हैं। हर तरह का पार्टिसिपेशन, ग्राउंड है, ग्राउंड्समैन हैं, वर्किंग करने वाले लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, वो तो सब आरसीए के पास ही है ना सर। एक तरीके से पर्दे के पीछे रह के अगर काम करने को मिले, हाँ कोई बात नहीं, मैच होने चाहिए, राजस्थान का फायदा होना चाहिए, मैच हर हालत में होनी चाहिए, उसमें अगर आरसीए का पार्ट बैकग्राउंड से हो या फ्रंट लाइन से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो दर्शकों की राय के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, इससे पहले आपको बता दें कि कल बीसीसीआई की एक टीम स्टेडियम का दौरा करेगी और उसके बाद सुबह 10 बजे के करीब एक लेटर जारी हो जाएगा, एक कमेटी का ऐलान होगा, खेल परिषद से जो है कमेटी का चेयरमैन होगा। उसके साथ साथ बाकी गजेंद्र खेमसर ने बताया कि आरसीए के जो सदस्य नहीं है, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं राजस्थान से, वो दो लोग होंगे, बीसीसीआई का एक मेंबर होगा और एक मेंबर मुंबई इंडियंस से होगा। सुनील प्रजापत है जयपुर से और सुशील शर्मा जी भी हैं जयपुर से। सुनील जी नमस्कार। सुनील जी बताइए। सुनील जी मेरे मन में दो सवाल उठ रहे हैं। हाँ जी, आईपीएल में सरकार करा रही है या ललित मोदी कमबैक आ रहा है, मतलब जो व्यक्ति कोर्ट द्वारा बिल्कुल आरसीए को भंग कर दिया कोर्ट ने उसको, और वापस वही आरसीए मतलब कोर्ट से बड़ी हो गई क्या? मैं मनीष जी से जानना चाहता हूँ, मेरे पास है। चलिए मैं मनीष जी के पास आऊंगा, उससे पहले सुशील जी आप नमस्कार बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ नमस्कार अश्विनी जी, बताए सर। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आरसीए के मैच में आज भी वो वहाँ बैठ के ललित मोदी वो जीत भी गया और वहाँ बैठ के दखलंदाजी कर रहा है जी। वो आदमी करोड़ों रुपए लेके भाग गया इंडिया से और उसको फिर धीरे धीरे वही है आपका जो कम बैक वो वापस लाना चाहते हैं, उसको धीरे धीरे वापस उस ग्राउंड में लाना चाहते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो पहले उस करोड़ों रुपए का हिसाब दे जो खा के भाग गया हूँ और जिसकी उसकी तलाश ये हो। कौन पूछेगा सवाल इसी बात का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी। सवाल सीधा सा है, जो कांग्रेस का आरोप है, आपको लगता है सच में कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री आईपीएल के जरिए अब ललित मोदी कर जाएंगे यहाँ पर? बिल्कुल निश्चित रूप से भूमिका का तो ऐसा ही निर्माण सरकार के स्तर पर किया जा रहा है। अभी मनीष जी आपत्ति कर रहे थे कि हमारी दुर्भावना है, हमारे दुराग्रह है, पूर्वाग्रह। भाई हमारे किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ये तो परिस्थितियां हैं और खुद के द्वारा जो आर्थिक अनियमितताएं की गई जिसके कारण भागना पड़ा देश से, उनके खिलाफ कौन से कॉर्नर नोटिस जारी हो गए, ईडी की तरफ से नोटिस जारी हो चुके, तो सारी चीज़ें जो कानूनी वैधानिक प्रक्रिया के तहत है, तो हमारी कोई दुर्भावना या कोई सद्भावना नहीं है ललित मोदी के प्रति। लेकिन जैसे आपके मंत्री के उद्गार है उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग इतने ज़्यादा अक्षम हो कि आरसीए के अध्यक्ष के बिना इस आयोजन को करने में आपकी जो स्थितियाँ वो पूरी नहीं है और उसके लिए आपको उनकी सहायता चाहिए, और फिर आप उसको डिफेंड करते ऊपर से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते। कांग्रेस उस वस्तुस्थिति को स्पष्ट कर रही है, उस वास्तविकता से रूबरू करवाना चाहती है जिसको लेकर सरकार ने एक ऐसी भूमिका बनाई है जिससे कि कमबैक हो सके ललित मोदी का, और एक अनिवार्यता के साथ। ये भी नहीं कि कोई ऐसी चीज है कि नहीं साहब हम लोग ऐसे ही कह रहे हैं, वो आप उसको अनिवार्य रूप से थोपना चाहते हो कि इसके बिना क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सकता। मनीष जी यही सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसी स्थिति में अगर सरकार की पहल को यह समझ लिया जाए कि एक ललित मोदी को क्लीन चिट देने का रास्ता कहीं आपको मिल गया हो? नहीं नहीं सर, सरकार का रोल इसमें यही है कि जो एसोसिएशन स्पेसिफिकली क्रिकेट के लिए है उसका इन्वॉल्वमेंट हो, नंबर एक। ये जो बार बार ललित मोदी जी का नाम ले रहे हैं लेकिन जो अन्य अन्य पदाधिकारी हैं वो सब साफ तौर पर कह दिया कि बैकडोर एंट्री आप यहाँ पर करवाने वाले हैं। मैंने आपको कहा कि दुराग्रह है इनको लगता है और यही कारण है इस बारे में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इतिहास विषय का एक्सपर्ट इतिहास पढ़ाना चाहिए, अंग्रेजी के टीचर से इतिहास पढ़वा रहे हैं, ये यही कर सकते हैं, ऐसा अन्याय तो बड़ी बात ये भी है। इस बारे में स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने काम किया,
जो खेल संघ ने काम किया। मनीष जी अभी फिलहाल अपनी बात पूरी करके रहेंगे। अश्विनी जी ये तो बताओ, दुराग्रह किसके प्रति, एक भगौड़े के प्रति तो दुराग्रह होना ही चाहिए, दुर्भावना भी होनी चाहिए। आप ही रखो, क्रिकेट के प्रति ऑनरेबल जी, बिल्कुल नहीं है भाई, क्रिकेट मैच का आयोजन सक्षम तरीके से करने दो ना, सफलतापूर्वक। दो बातों का जवाब दो मनीष जी, कि आपके मंत्री जो है बड़ी मुखरता के साथ जैसे टूर्नामेंट राजस्थान को मिलता है तो सामने आते हैं और कहते हैं हम आयोजित करवाएंगे, आरसी की अनिवार्यता है। लेकिन मंत्री ने यह नहीं कहा कि भाई ऐसी परिस्थितियां तो महाराष्ट्र के समकक्ष राजस्थान में, इन चीजों पर भी गौर करते। ये चीजें नहीं है आपके पास, जो मूलभूत जो समस्या है उनके निवारण या उसको संज्ञान में ला करके उस प्रायोरिटी पर बात करने की नहीं है। आपने तुरंत लपका इस मौके को, इस मामले में दिनेश जी की राय लेनी चाहिए था, दर्शकों के बाद मैं उनकी बात सुनूंगा। जो सुशासन चल रहा है राजस्थान में, आपने लपका है मनीष जी, ये मौके के रूप में एक अफसर के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक मंत्री ने आकर के कहा कि हमारी आईपीएल के तीन मैच आराम से करके दिखा देगा, तो सैकड़ों दूध चना शिविर चलते हैं, ये आप लोगों ने क्या सारे स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चे। मेरे ख्याल से मनीष जी पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। जगदीश वर्मा जी हैं जयपुर से और खालिद कुर्शी हैं बीकानेर से हमारे साथ। वर्मा जी नमस्कार, बताइए, पहले आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी, हेलो, सुन पा रहे हैं आपको जगदीश जी? नहीं आ रही, क्या बात है, कोशिश करेंगे फिर से बात हो। खालिद कुर्शी साहब नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार, बताइए। अगर आप हमारे कांग्रेस नेता किसी को भगोड़ा बोल रहे हैं, मोदी साहब भी बोल रहे हैं, तो उनको आने दे वापिस। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो देश में आने के बाद तो उनके कुछ पूछताछ होगी, आने तो उनको उसके बाद प्रशासन अपना पूछताछ करेगा। अगर वो गलत है तो गलत साबित हो जाएंगे, सही तो सही साबित हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या ये समझा जा सकता है कि आरसी हो, एसएमएस स्टेडियम हो और ललित मोदी के बिना यहाँ मुकाबले संभव नहीं है? देखिए, संभव आरसी के बिना नहीं हो सकते, मोदी नहीं है तो उनके बिना भी मैच होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक ये है कि हालात की अगर बात करें तो हवा एक बनाया जा रहा है कि मोदी की वापसी। देखिए, मोदी की वापसी कहां की संभावना आप देख रहे हैं? बीसीसीआई में अभी समीकरण उनके अनुकूल फिलहाल नहीं है, धीरे धीरे बन रहे हैं। लेकिन आरसी देश में भी आ नहीं सकते क्योंकि ईडी के केसेज हैं और बहुत सारे केसेज हैं, तो आखिर वापसी कहां? उनकी प्रेजेंस सुप्रीम कोर्ट से जब भी चुनाव जीता वैसे की वैसे बरकरार थी, आरसी के अध्यक्ष के रूप में वो अभी भी बरकरार है। तो हवा किस चीज़ का बनाया जा रहा है जी? और जो मैचेस की बात कर रहे हैं, ये इनके लाने से कोई मैच नहीं आए हैं, ये सिर्फ मुंबई इंडियंस ने जो प्रायोरिटी दी कि वो इस मैदान पर खेलना चाहते हैं तो इस वजह से मैच आए हैं, इनके कहने से मैच नहीं आए। उनकी प्रायोरिटी, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनकी मैच की चॉइस, वेन्यू की चॉइस, वो सब चीज़ों ने इसमें वेट दिया है। इन्होंने तो बस इतना कहा था कि विकल्प है और विकल्प स्वीकार किया मुंबई ने, इसलिए मैच हो रहे हैं। तो हवा बनाने का कोई तुक नहीं है और मैचेस हो रहे हैं तो अच्छी बात है। सीन को बढ़ाकर यहां पर पेश किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मेरा यही मानना है क्योंकि एक प्रेजेंस उनकी अध्यक्ष के बतौर है, आरसीए के अध्यक्ष के बतौर, और वो चुनाव सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन गजेंद्र खीवसर ने एक बात कही थी कि हमने मैचों से पहले ललित मोदी की सहमति का ख्याल रखा है। देखिए, सहमति नहीं होती तो मेरी समझ से इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकते थे, नए खीवसर साहब उठा सकते थे कि वो आउट ऑफ द वे जाएं, क्योंकि बिना आरसीए की मदद के मैच होना संभव नहीं है। मैदान ही जब आरसीए के पास है, सारे उपकरण आरसीए के पास हैं, तो आखिर बिना उसके कैसे मैच हो सकता था? नंदू साहब जी, मैं आता हूँ फिर से आपके पास। नंदू साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा, ललित मोदी ने कहा कि गैर कानूनी होगा अगर आरसीए को बाहर रख दिया गया, क्या स्पोर्ट्स एक्ट ऐसे हालात में आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बना है? नहीं, स्पोर्ट्स एक्ट तो हमारा सहारा है ही, अगर स्पोर्ट्स एक्ट सहारा नहीं होता तो बीसीसीआई ने तो ललित मोदी को क्रिकेट में मारने के लिए अपने पूरे कदम उठा लिए थे। ये एकमात्र स्पोर्ट्स एक्ट ही था जिसके बलबूते पर ललित मोदी वापस जीत करके आया और ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट संघ को चला रहा है। आज कानपुर में तो इतने मैच नहीं मिले जहाँ राजीव शुक्ला जी हैं, यहाँ राजस्थान में तीन मैच क्यों आ गए? क्योंकि ललित मोदी में कैपेसिटी है ग्राउंड मेंटेन करवाने की, ललित मोदी की टीम क्रिकेट खिलाना जानती है, इसलिए हम 20 दिन में ये मैचेज करवा देंगे। ये वही ललित मोदी है जो साउथ अफ्रीका ले जा करके 15 दिन में आईपीएल करवा दी थी। तो ललित मोदी की क्षमताओं को कम करके नहीं आंका जा सकता। हाँ, रही बात ये जो मुद्दे हैं, ये तो न्यायालय अपना फैसला कर देगा कि ललित मोदी सही है या ललित मोदी के विरोधी सही है, तो ये भविष्य में ये मुद्दा भी शीघ्र अतिशीघ्र ये तय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जीत क्रिकेट की हुई है, ललित मोदी के कामों की हुई है, यहाँ पर मैच जो होगा बहुत सफल आयोजन होगा और इतना शानदार ग्राउंड है, आप किसी भी क्रिकेट का एक्सपर्ट उससे पूछ लीजिए कि जयपुर का ग्राउंड इतना अच्छा क्यों है और जयपुर के ग्राउंड को पहला नंबर क्यों मिला है। मुंबई क्रिकेट मुंबई वाली फ्रेंचाइजी को यही ग्राउंड अच्छा क्यों लगा, कानपुर का या अन्य ग्राउंड अच्छा क्यों नहीं लगा?
एक सवाल यूं ही मन में उठा कि क्या राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो इतनी ही फेवरेबल कंडीशंस होती? ये एक देखो कांग्रेस के लिए अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, रवि ललित मोदी यहाँ पर अध्यक्ष होते तो भी वो गवर्नमेंट भी मैच कराती, मैच कोई भी टालना नहीं चाहता और उसको भी ललित मोदी की बात। चलिए मैं ब्रेक लूंगा, उससे पहले अर्चना जी आपसे भी जान लेता हूँ इस बात का जवाब। देखिए अश्विनी जी, ये बात ठीक है कि यदि परिस्थितियां बनती और राजस्थान को अवसर मिलता है क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन का तो कांग्रेस होगी तो वो भी क्यों टालना चाहेगी। ये तो एक अच्छा अवसर है यहाँ के युवाओं के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए, और इससे बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी है, पर्यटन भी और सारी बातें। लेकिन कांग्रेस कभी भी फोरफ्रंट पे आकर के एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को संरक्षण देने की बात नहीं करती, और एक मंत्री स्तर के व्यक्ति के द्वारा ऐसे उद्गार व्यक्त नहीं किया जाते कि इस टूर्नामेंट के आयोजन की स्वीकृति देने से पहले हमने ललित मोदी को भी अपने विश्वास में लिया है। यानी आप अभी जो बात कह रहे थे RCA के जो सदस्य हैं कि साहब ललित मोदी के जो विरोधी, कौन विरोधी है ललित मोदी का? एक अपराधी का कौन विरोधी होता है? राजनीतिक स्तर पर बात नहीं, नहीं मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं बिल्कुल राजनीतिक विरोध की आपका विरोध नहीं कर रही हूँ, मेरी बात मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा। BCCI और RCA का विवाद है, वो आप लोग स्पोर्ट्स के स्तर पर प्रतिद्वंदी है उस संस्थाओं के स्तर पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की यदि बात करें तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी उसी मुखरता और प्रमुखता के साथ आगे आकर स्वीकार करना चाहिए कि एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को संरक्षण देने का रास्ता खोजना इसके माध्यम से। मैंने कहा ना, आपने इसको एक मौके अवसर के रूप में लगता है ताकि ललित मोदी को पुनः स्थापित किया जा सके, इस चीज को स्वीकार करो। और देखिए मनीष जी, एक मिनट मनीष जी, आप बोलिएगा, मेरी बात सुनिए कि हमने उनकी भी सहमति प्राप्त कर ली है। इसका मतलब यह है कि उनकी जो टीम यहाँ काम कर रही है, जो कार्यकारी सचिव है, जो पदाधिकारी है, उन लोगों ने सहमति दिखाई है, क्रिकेट मैच कराने की सक्षमता दिखाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान एक सक्षम प्रदेश बनकर उभरा है। ये बात तो मंत्री महोदय कहेंगे। संरक्षण देने वाले, अपराधियों के पक्ष में खड़े होने वाले सिर्फ राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, कुछ लोग अलग से भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज क्या आवश्यकता हो गई है कि वो इतना ज्यादा ऑफेंसिव होकर एक ऐसे व्यक्ति का डिफेंड करना चाहती है, ऐसे व्यक्ति को जिसने राजस्थान की सरकार की साख पर पट्टा लगाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मुख्यमंत्री अपराधी है, मेरा सवाल ये था कि क्या इस IPL के जरिए राजस्थान में ललित मोदी का कमबैक होगा और क्या राजस्थान में क्रिकेट का कमबैक होगा। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तीसरे दौर में और समझने की कोशिश करेंगे राजस्थान का क्रिकेट का क्या ये 3 IPL के मैचेस भला कर जाएंगे और इसी के जरिए एक बार फिर से पुराने दिन और पुराना ललित मोदी लौटेगा राजस्थान में।